हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीलिया और फ्लैजेला, पक्षमाप और कशाबिका के बारे में पढ़ा, उसकी संरचना देखी। आज अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं तारक काय। तारक काय जिसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। जब हम किसी कोशिका की संरचना को देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, कोशिका में ये है केंद्रक और केंद्रक के ऊपर यहां पे दो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं कुछ इस तरह से, और इनके आसपास कोई द्रव्य होता है जो इनको घेरे रखता है, और इस तरह की संरचना अपन को वहां पे दिखती है कुछ ऐसी। तो ये जो बीच में दो संरचनाएं हैं इनको अपन कहते हैं तारक केंद्र, सेंट्रियोल, और आसपास का जो द्रव्य है जिसे अपन कहते हैं अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य। ये तारक केंद्र और अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य, इन दोनों को मिलाकर एक संरचना बनती है जो कहलाती है तारक काय। तो पहला पॉइंट तो इसमें लिख देते हैं जो इसकी परिभाषा है। अच्छा, ये जो अंदर दो प्रेजेंट हैं तारक केंद्र, ये बेलन आकार के होते हैं और बेलन आकार के साथ साथ ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो केंद्रक के समीप दो बेलन आकार संरचना बेलनाकार संरचना जिसे अपन तारक केंद्र कहते हैं, एवं अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय केंद्र के समीप दो बेलनाकार संरचना एवं अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य को मिलाकर तारक काय बनता है या कहलाता है। तो तारक काय के अंदर तारक केंद्र होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ठीक है। मतलब कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है ये समझने में तारक केंद्र क्या होता है, तारक काय क्या होता है। तो तारक काय, तारक केंद्र और आपस में जो यहाँ पे ये जो लिक्विड है, ये जो द्रव्य है जिसको अपन ने कहा है अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य, इन दोनों को मिलाकर तारक काय बनता है। यहाँ पे जो तारक केंद्र होते हैं ये बेलनाकार के होते हैं और साथ में ये लंबवत होते हैं। लंबवत होते हैं। अच्छा, तारक केंद्र का जो विभाजन होता है, तारक केंद्र का विभाजन कह सकते हैं अपन, या तारक काय का विभाजन भी कह सकते हैं। तारक काय का जो विभाजन होता है ये कोशिका चक्र जो होता है, कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र वाला जो भाग है वहां पे एस प्रवस्था में होता है। तारक काय का विभाजन, तारक काय भी बोल सकते हैं अपन, तारक केंद्र का विभाजन भी वही कहलाता है। तारक काय का विभाजन कोशिका चक्र के कोशिका चक्र की एस प्रवस्था के समय होता है।
अब ये एस प्रवस्था क्या होती है, ये थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, हम आने वाले कुछ मतलब ये चैप्टर खत्म होने के बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे, ये आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र वाला ही है, उसमें अपन बात करेंगे कि एस प्रवस्था क्या होती है। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इसका विभाजन जो होता है वो एस प्रवस्था में हो जाता है। अब अगर इस चक्र की संरचना देखें, तो चक्र की संरचना मतलब चक्र नहीं, ये तारक केंद्र की संरचना देखें, और किस तरह से वो किस तरह से लिक्विड से या झिल्ली से या प्रोटीन का बना होता है, ये अपन अब सारी बात कर रहे हैं। तो अब मैं इसकी संरचना बना रहा हूँ और इसके साथ साथ में जो पॉइंट्स हैं वो भी समझाता जा रहा हूँ और फिर उसको लिखता भी जाऊँगा। देखिए सबसे पहले तो इसमें कोई झिल्ली नहीं होती, तारक केंद्र में कह सकते हैं और तारक काय में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, ये अझिल्ली में संरचना है, झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती, और मतलब ये समझ ली कि एक तरह का द्रव्य है जो इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, अब सीलिया और फ्लैजिला का, पक्षमाप और कशाविका की संरचना आप ध्यान करिए, उसमें बीच में केंद्रीय आच्छद होता है जिसके अंदर केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहां पे ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, और सेंटर में कुछ प्रोटीन वाला भाग होता है जिसे अपन हब हब या हिंदी में धुरी कहते हैं, और ये धुरी वाले भाग से जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो जुड़ी होती हैं। कैसे, देखिए उसमें हमने पढ़ा था कि अरीय दंड होता है और उसको डंडा भी कहते हैं अपन, यानी स्पोक होते हैं, इसमें भी ऐसे ही होते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5, ये छठवा, 7 8 और ये 9, यहां पे भी अरीय दंड होता है, अरीय डंडा होता है, और ये कुल इनकी संख्या जो होती है वो 9 होती है। इसको अपन दंड भी कह सकते हैं, ये टोटल 9 होते हैं। ठीक है, पर केंद्र में किसी भी प्रकार की सूक्ष्म नलिका नहीं है। हाँ, अब इसमें यहां पे ये सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं और ये 3 होती हैं, मतलब त्रिक होती हैं, जैसे पक्षमाप और कशाभिका में अपन ने देखा था वहां पे दो दो थी, ए बी ए बी, और यहां पे होती हैं 3, ए बी सी। ठीक है, इस तरह से ये पूरे में होती है। मैं जल्दी से पूरे में बना देता हूं इसको। अब बाहर की तरफ यहां पे 3 सूक्ष्म नलिकाएं और अंदर की तरफ एक भी नहीं, इसलिए ये वाली जो व्यवस्था है इसको अपन कहते हैं 9+0। पिछले वाले में जो हमने देखा वो था 9+2, वो 9+2 था और ये 9+0 है। इसमें जो परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं ये त्रिक होती हैं, 3 होती हैं, और ये ए और सी आपस में जुड़ते हैं, ऐसा ये ए और सी आपस में जुड़े होते हैं। इस तरह से ये आपस में भी जुड़ी होती हैं, सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं वो आपस में भी जुड़ी होती हैं, और इस तरह से ये भी जुड़े हुए रहते हैं। तो ये कुछ बैलगाड़ी के पहिए जैसा यहां पे अपन को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये अपन ने इसकी संरचना देखी, अब इसके बारे में पॉइंट लिखता हूं और जो भी चीजें हैं वो और फिर क्लियर होती जाएंगी। चलिए मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखता हूँ, आप भी नोट कर लीजिए।
इसमें झिल्ली नहीं होती, मतलब ये अझिल्ली संरचना है, ठीक है। इसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है, आवरण होता है पर वो झिल्ली, एक्चुअली जो झिल्ली वाला भाग है वो यहां पे नहीं होता। केंद्र भाग में सूक्ष्म नलिका नहीं होती, पर इससे सभी नौ अरियदंड जुड़े होते हैं। केंद्र भाग में सूक्ष्म नलिका तो नहीं होती है, पर इससे सभी नौ अरियदंड जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। ये जो अरियदंड हैं ये प्रोटीन ट्यूब्यूलिन के बने होते हैं। ये प्रोटीन ट्यूब्यूलिन के बने होते हैं। अच्छा, इसमें परिधि भाग में यहां पे तीन सूक्ष्म नलिकाएं होती है, मतलब ये त्रिक होती हैं। परिधि भाग में अरियदंड से तीन सूक्ष्म नलिकाएं ए बी एवं सी, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, त्रिक जुड़ी होती हैं। और ये जो ए बी सी है ये आपस में भी जुड़ी होती हैं। ये आपस में भी एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसमें ए सूक्ष्म नलिका जो है वो सी से जुड़ी होती है और इस कारण से यह बैलगाड़ी के पहिए समान संरचना दिखती है। इसकी संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी दिखती है। और इसमें देखिए अंदर तो कुछ है नहीं सूक्ष्म नलिका और बाहर जो है वो नौ है और ये दंड जो है वो नौ है, तो यहां पे नौ प्लस जीरो व्यवस्था कहलाती है। इस व्यवस्था को नाइन प्लस जीरो कहते हैं। तो अब दोनों में आप अंतर समझ सकते हो, पक्षमाप और कशापिका जो था वो 9 प्लस 2 था क्योंकि बीच में दो थी सूक्ष्म नलिकाएं और यहां पे बीच में कुछ नहीं है, तो ये वाला भाग 9 प्लस 0 कहलाता है। चलिए इसको रिवाइज करते हैं, फिर मैं और कुछ पॉइंट्स यहां बताता हूं। इसमें झिल्ली नहीं होती, ये तो आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो अभी एक कोशिकांग जो अपन ने पढ़ा था राइबोसोम, उसमें झिल्ली नहीं थी और इसमें भी झिल्ली नहीं होती। और दूसरी बात, जो केंद्रिका होती है, केंद्रिका केंद्रक केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है, केंद्रिका में भी कोई झिल्ली नहीं होती। तो तीन संरचनाएं अपन अभी पढ़ चुके हैं जिनमें झिल्ली नहीं होती है, राइबोसोम, केंद्रिका और ये तारक का है या तारक केंद्र।
केंद्र भाग जो होता है इसमें सूक्ष्म नलिका नहीं होती, पर केंद्र भाग से 9 अरीय दंड जुड़े होते हैं और अरीय दंड जो होता है वो प्रोटीन ट्यूबुलिन के बने होते हैं। इसका जो बाहर वाला भाग है परिधि भाग, वहाँ 3 सूक्ष्म नलिकाएं यानी ए बी सी ये आपस में जुड़ी होती हैं, त्रिक होती हैं, जबकि सीलिया फ्लैजिला में 2 थी, ये आपस में भी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसकी संरचना जो होती है वो बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है और इस व्यवस्था को 9+0 कहते हैं। अब देखिए इसका ये जो अग्र भीतरी भाग है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला जो भाग है इसको अपन धुरी कहते हैं। इसका अग्र भीतरी भाग धुरी कहलाता है। और ये प्रोटीन का बना होता है एवं यह भी प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अग्र भीतरी भाग धुरी कहलाता है और यह भी प्रोटीन का बना होता है। अच्छा, इसमें ये जो तारक केंद्र है और तारककाय है ये सीलिया फ्लैजिला जिस संरचना से बनते हैं, सीलिया, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए, पिछले में मैंने सीलिया फ्लैजिला में ये चीज़ बताई नहीं थी कि सीलिया जो होते हैं वो आधारिकाय भाग से बनते हैं, बेसल बॉडी से बनते हैं, और वो बेसल बॉडी, वो आधारिकाय बनाने का काम तारककाय करता है, तारक केंद्र करता है। ठीक है, तो तारककाय के द्वारा, तारक केंद्र के द्वारा उसका आधारी भाग बनता है, तो ये अपन लिख लेते हैं इसको। पहली बात तो मैं यहाँ पे पक्षमाप और कशाबिका के बारे में लिख रहा हूँ कि वो आधारिकाय से बनते हैं और जो कि वो आधारिकाय जो है वो तारक केंद्र के द्वारा बनाया जाता है। पक्षमाप एवं कशाबिका जिस संरचना से बनते हैं उसे आधारिकाय, उसे आधारिकाय कहते हैं, जो कि तारक केंद्र द्वारा बनता है। अच्छा, ये जो तारक केंद्र होता है, तारक केंद्र तरकु तंतु बनाता है कोशिका विभाजन के समय, और उसको अपन कहते हैं तरकु उपकरण, मतलब तारक केंद्र और तरकु तंतु ये तरकु उपकरण बनाने का कार्य भी करते हैं। ये तरकु तंतु के निर्माण में सहायक होता है एवं तर्कु उपकरण भी, तर्कु उपकरण बनाने में भी सहायता करते हैं। इसका अग्र भीतरी भाग धुरी कहलाता है, जिसको अपन हब कहते हैं इंग्लिश में, HUB हब कहते हैं, और यह प्रोटीन का बना होता है। पक्षमाप और कशाबिका जिस संरचना से बनते हैं उस संरचना को आधारिकाय कहते हैं, और ये तारक केंद्र के द्वारा ही बनाई जाती है, आधारिकाय भी तारक केंद्र के द्वारा ही बनता।
और ये तर्कु तंतु के निर्माण में सहायक होता है, और तर्कु उपकरण ये कोशिका विभाजन के समय, अगर आपको अभी नहीं पता है तो कोशिका विभाजन के समय ये अपन वहां पे पढ़ेंगे कि तर्कु उपकरण बनाने का काम और तर्कु तंतु के निर्माण में भी सहायता करने का काम तारक काय और तारक केंद्र करता है। तो ये संरचना अपन ने देखी तारक केंद्र की और तारक काय की। अगला भाग इसमें देखते हैं सूक्ष्म काय। जिसको माइक्रो बॉडीज भी कहते हैं। सूक्ष्म काय इसलिए क्योंकि इनका आकार जो होता है वो काफी छोटा होता है, साइज में ये बहुत छोटे होते हैं। अब इसमें कुछ अपन नाम देखते हैं, जैसे पहला आता है स्फीरोसोम। स्फीरोसोम इसके बारे में, इसमें एक झिल्ली होती है ठीक है, ये एक झिल्ली में संरचना है। और दूसरी बात कि ये इसकी जो उत्पत्ति होती है वो SER से होती है, मतलब चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका से। यह चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका से बनता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है और वहां पे यह लयन का है जैसा काम करता है, मतलब पाचन का काम करता है। यह पादप कोशिका में पाया जाता है एवं लयन काय जैसा, लयन काय जैसा मतलब लयन काय का कार्य क्या होता है, पाचन का। लयन काय जैसा कार्य करता है। तो ये हो गया पहला सूक्ष्म काय स्फीरोसोम। दूसरा आता है परोक्सीसोम। परोक्सीसोम भी, ये भी एक झिल्ली में संरचना है, और इसमें परोक्साइड को तोड़ने के लिए एवं बनाने के लिए दोनों प्रकार के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। परोक्साइड निर्माण एवं विघटन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। अच्छा, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है, ये प्रकाश श्वसन में भाग लेता है। यह प्रकाश श्वसन में भाग लेता है। प्रकाश श्वसन को अपन C2 चक्र के नाम से भी जानते हैं। प्रकाश श्वसन को अपन C2 चक्र के नाम से भी जानते हैं। अब C2 चक्र क्या होता है, मैं इसके एक छोटी सी आउटलाइन देता हूं, है ना, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा।
तो अब देखते हैं अपन सी2 चक्र। हालांकि ये सी2 चक्र वाला भाग प्रकाश संश्लेषण वाला जो चैप्टर है उसमें भी अपन पढ़ेंगे, पर यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे रोल बता दे रहा हूँ अब, क्योंकि ये कोशिकांग आया है सामने तो सी2 चक्र बताना होगा। वहाँ पे फिर अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वहाँ पे हेडिंग डाल के उसको छोड़ देंगे। चलिए अब हम देखते हैं सी2 चक्र के बारे में। तो सी2 चक्र में कुल 3 कोशिकांग भाग लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे चक्र बना रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूं। सबसे पहले एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है RuBP। RuBP जो होता है ये एक एंजाइम रुबिस्को की उपस्थिति में वातावरण से ऑक्सीजन लेता है, वातावरण से ये ऑक्सीजन लेता है, और एक पहला यौगिक जो 2 कार्बन वाला है फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसका निर्माण करता है। और यहां पे साथ में बनता है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। अब क्योंकि ये 2 कार्बन वाला है, ये 2 कार्बन वाला यौगिक है, इसलिए अपन इसको सी2 चक्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पहला स्थायी उत्पाद जो है वो 2 कार्बन वाला है, इसलिए ये सी2 चक्र कहलाता है। अब फॉस्फोग्लाइकोलेट से यहां से फॉस्फेट समूह हट जाता है और ये बनता है ग्लाइकोलेट। ये इतनी प्रक्रिया जो है ये होती है हरित लवक में। ये होता है हरित लवक में जिसको अपन क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब ये ग्लाइकोलेट यहां से निकलकर अगले कोशिकांग में आता है जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, यह है पर ऑक्सीसोम। ये कहलाता है पर ऑक्सीसोम। और फिर ये ग्लाइकोलेट यहां से ऑक्सीजन एंटर करता है, यानी पहला ऑक्सीजन यहां से आया अंदर और फिर दूसरा ऑक्सीजन परऑक्सीसोम के द्वारा आया, तो यहां से ऑक्सीजन आने के बाद यह बन जाता है ग्लाइऑक्सीलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट, फिर ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट आ गया परऑक्सीसोम में, फिर यह बना ग्लाइऑक्सीलेट। ध्यान रखिएगा यह चक्र एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, पर कई बार इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ग्लाइऑक्सीलेट के बाद पहला अमीनो अम्ल बनता है जिसका नाम है ग्लाइसिन। अब ये जो ग्लाइसिन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, सूत्रकणिका में एंटर करता है, ये तीसरा है सूत्रकणिका। अब ये सूत्रकणिका में जाने के बाद इस ग्लाइसिन के 2 अणु, इस ग्लाइसिन के 2 अणु ये मिलकर एक अमीनो अम्ल बनाते हैं जिसको कहते हैं सेरीन। अब ये सेरीन आता है ऊपर, फिर यहां से बनता है हाइड्रोक्सी पाइरूवेट, उसके बाद बनता है ग्लिसरेट, उसके बाद बनता है ये ग्लिसरेट, फिर आ जाता है ऊपर और फिर बनता है पीजीए, और ये पीजीए सी3 चक्र में चला जाता है। देखिए अगर ये सी3 चक्र के बारे में आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा संयम रखिए, ठीक है। कुछ समय बाद अपन प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और रहा सवाल ये चक्र का, अगर कहीं दिक्कत होती है, वैसे तो देखिए इसके क्रम अपन को याद करने होते हैं क्योंकि क्वेश्चन किसी भी रूप में बन सकता है। जो क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ, पहले 1 मिनट इसको थोड़ा सा और मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। ये जो सूत्र कणिका है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होता है और अमोनिया भी बाहर निकलता है। तो कार्बन माइटोकॉन्ड्रिया से सूत्र कणिका से 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये दोनों मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो क्रम है, जैसे RuBP 5 कार्बन वाला, देखिए 5 कार्बन वाला टूट के 2 कार्बन और पीजीए, पीजीए होता है 3 कार्बन वाला,
फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो होता है वो तीन कार्बन वाला होता है, तो दो कार्बन और तीन कार्बन मिलके पांच कार्बन हो गए, तो पांच कार्बन वाला पांच कार्बन यहां बना रहा है। पर यहां पे पहला स्थायी उत्पाद जो है वो दो कार्बन वाला है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, और इसको हम ग्लाइकोलेट भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है, नहीं होता है, तो फिर अपन ग्लाइकोलेट को वहां पर मानते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलेट पहला स्थायी उत्पाद हो गया, और ये ग्लाइकोलेट फिर अब नीचे आ गया परोक्सीसोम में, और यहां से ऑक्सीजन प्रवेश करेगा, एंटर करेगा, और ग्लाइऑक्सीलेट बनेगा। अब ये ग्लाइऑक्सीलेट पहला अमीनो अम्ल का निर्माण करेगा जो कि परोक्सीसोम में बनता है। जब ग्लाइसिन के दो अमीनो अम्ल सूत्रकणिका में जुड़ते हैं तो एक दूसरा अमीनो अम्ल बनता है जिसका नाम है सेरीन, और ये सेरीन फिर ऊपर आता है, फिर हाइड्रोक्सीपाइरुवेट और ग्लिसरेट ग्लिसरेट। अब देखिए, अगर आपको इसको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, RUBP फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब दो दो हैं, ग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सीलेट, ग्लाइसिन ग्लाइसिन, सेरीन सेरीन, हाइड्रोक्सी पायरुवेट, ग्लिसरेट ग्लिसरेट, PGA C3 साइकिल, ठीक है। मतलब दो दो नाम आ रहे हैं, फिर एक नाम दूसरा जा रहा है, फिर दो नाम आ रहे हैं, फिर दो नाम आ रहे हैं, ऐसे करके आप दो तीन बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। जैसे मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप फिर मेरा वीडियो पॉज करके आप खुद से उसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। देखिए, RUBP फॉस्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट, ग्लाइऑक्सीलेट, ग्लाइसिन ग्लाइसिन, सेरीन सेरीन, हाइड्रोक्सीपाइरुवेट, ग्लिसरेट ग्लिसरेट, PGA C3 साइकिल, ऐसे करके आप याद करेंगे, दो तीन बार इसको रिवाइज करेंगे तो ये बिल्कुल याद हो जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चंस बने हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले तो कोशिकांग का जो क्रम है ये आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले आता है हरित लवक, उसके बाद परोक्सीसोम, उसके बाद सूत्रकणिका। लगभग मैं जहां तक मैं समझता हूँ दो बार तो यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो C2 चक्र होता है, प्रकाश श्वसन होता है, उसमें कोशिकांग का क्रम क्या होता है, तो ये क्रम है। दूसरी बात कि किस कोशिकांग से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, अमोनिया मुक्त होता है, तो आंसर है सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया से हमको दिख रहा है। फिर जो अमीनो अम्ल है, पहला अमीनो अम्ल, वो कौन से कोशिकांग में बनता है, तो इसका आंसर है परोक्सीसोम, ग्लाइसिन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि ये प्रकाश श्वसन का एक भाग है, जो प्रकाश की उपस्थिति में पादप श्वसन करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। देखिए, हमारे लिए अगर अपन सोचें कि पादप हमारे लिए क्यों फायदेमंद है, प्लांट हमारे लिए क्यों यूजफुल है, तो इसके आंसर बहुत सारे हैं। मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें पादपों से मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें पादपों से मिलती है, लकड़ी, पेपर, मतलब पादपों के काफ़ी सारे जो उत्पाद होते हैं वो अपन अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। पर अगर हम इस क्रिया की बात करें, इस चक्र की बात करें, तो ये चक्र हमारे लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है, पर पादप के लिए जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर रहा है। जबकि हमें तो ये पता है कि पादप जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो खत्म करते हैं, वातावरण से कम करते हैं, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है। पर ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें होने वाली क्रियाओं के लिए इसका बहुत मुख्य महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ये हो गया प्रकाश श्वसन के बारे में। अब ये क्रम आप याद कर लीजिएगा। एक आखिरी सूक्ष्मकाय अपन पढ़ते हैं, इसको कहते हैं ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम के बारे में, ये एक झिल्ली वाली संरचना है, यह अविलय वसा को विलय कार्बोहाइड्रेट में, यानी सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। एक झिल्ली में संरचना है और अविलय वसा को यह विलय कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। इसके साथ साथ यह केवल पादपों में होता है, यह पादपों में केवल पाया जाता है।
और इसके अलावा जैसे ईस्ट हो गया कवक, जैसे कवक हो गया, ईस्ट न्यूरोस्पोरा हो गया, कुछ अंकुरित बीज होते हैं जैसे अरंड का हो गया, ठीक है, या मूंगफली का हो गया, ये उसमें पाए जाते हैं। तो ये ईस्ट में, कवक में, ईस्ट एक कवक है, दूसरा न्यूरोस्पोरा, ये दोनों कवक गए, इनमें पाया जाता है, कुछ अंकुरित बीज होते हैं जैसे अरंड, मूंगफली आदि, इनमें भी पाया जाता है। तो यह है एक और सूक्ष्मकाय, ग्लाइऑक्सिजोम, एक झिल्लीवत संरचना बनता है, ये भी उसी से है, चिकनी अंतःपरोपी जालिका के कार्य के कारण बनता है ये। ये अविलेय वसा को विलेय कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इनमें पाया जाता है। तो आज हमने इसमें सूक्ष्मकाय तीन पढ़े, स्फीरोसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिजोम। देखिए आने वाला जो लेक्चर होगा वो अब इसके कुछ क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा, मतलब इसमें अपन ने देखे थ्योरी पार्ट जो है वो पूरा कवर कर लिया है, ठीक है, एक सूक्ष्म नलिका वाला भाग बचा है, तो वो आने वाली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। और इसके साथ साथ मैं कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो जिस चैप्टर से मुझे लगते हैं कि बताने चाहिए, वो शायद आपको बने भी, हो सकता है कि उसमें कुछ थोड़ा बहुत सोचना भी पड़े, या कई बार हो सकता है कि नहीं भी बने, ठीक है, पर ये आपको बनेंगे तभी जब आप कोशिका वाला चैप्टर पूरा तैयार कर लेंगे। तो आने वाले लेक्चर से पहले आप एक बार कोशिका वाला भाग पूरा पढ़ लीजिए और तब अपन डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको आंसर बनता है तो मेरा वीडियो पॉज करके आप आंसर अपने आप मन में थोड़ा सा उसको रिकॉल करें, ठीक है, फिर मैं उसके ऑप्शन बताऊँगा और उसके साथ में उसका आंसर भी बताऊँगा। तो अगर आपको नहीं, अगर आंसर बनेगा तो आप उसको नोट कर सकते हैं, वैसे ऐसा होगा बहुत कम, ना के बराबर ही होगा जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा या नहीं बनेगा। अगर आप चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज अपन यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं और मिलते हैं आने वाले लेक्चर के साथ लेक्चर में, और जब तक आप ये चैप्टर रिवाइज करके रखिए। थैंक यू।